एलिस कौशिक के बॉयफ्रेंड दोस्तों, वो तो एलिस से ज्यादा इस समय करणवीर के फैन नजर आ रहे हैं और जमकर जमकर करणवीर की तारीफ कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं फीफा फूज और मेरा नाम गणेश कांदू है। एलिस कौशिक जो कि भाई इस समय बिग बॉस के घर के अंदर है, बट एलिस का गेम अभी भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मैं खुद जब लाइव कर रहा था, मैं भाई एपिसोड देखने के समय एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि एलिस कौशिक जब बिग बॉस के घर में आ रही थी, एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है वो, लेकिन बिग बॉस के घर में आने के बाद आयशा और मतलब ईशा और अविनाश के साथ तो पूरा गायब ही हो गई। उनकी खुद की पर्सनैलिटी, उनकी खुद की आइडेंटिटी गायब हो गई। और जिस तरीके से अविनाश की फाइट हुई है करणवीर के साथ, वो तो नेक्स्ट लेवल ही था। अब आप खुद सोच के देखिए कि कन्वर डिलॉन जो कि एलिस के बॉयफ्रेंड है, वो एलिस के दोस्त अविनाश को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि करणवीर को सपोर्ट कर रहे हैं। एक उनका क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है कन्वर डिलॉन का। कन्वर कहते हैं कि यार मुझे करणवीर बहुत बहुत सही लगा, मतलब जिस तरीके से उसने, वो भले उसने पहले गाली दी जो गलत है, लेकिन जिस तरीके से उसने बोला ना कि तू साला नहीं तू सी है, भाई मतलब नेक्स्ट लेवल था, मेरे को हंसी छूट गई तुरंत। उसके साथ साथ करणवीर मतलब कन्वर ये भी कहते हैं कि करणवीर को पता है कि उसको क्या करना है। वो बहुत शांति से बैठता है, जहां उसको बोलना है बोलता है, जहां उसको नहीं बोलना हो बिल्कुल नहीं बोलता है। अभी किसी ने शायद ईशा ने कन्वर कहते हैं कि ईशा ने उसको फॉक्स बुलाया, वो है बिल्कुल है, मतलब बहुत काम कंपोज्ड है, अपना गेम काम कंपोज्ड तरीके से खेलता है। लोगों के साथ बैठेगा, हंसी मजाक करेगा, बात करेगा, लेकिन उतना ही जितना उसको बात करनी है, उसके बाद उठ के चला जाएगा, उसको जिस मुद्दे में बोलना है वो बोलेगा। दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कन्वर एलिस से ज्यादा करणवीर के फैन नजर आ रहे हैं जिस तरीके से वो तारीफ कर रहे हैं। बाकी आप लोग कुछ समझदार हैं, आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, धन्यवाद।